नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं चंदन शेष, आपके साथ। आज 7 जुलाई है और अब वक्त हो चुका है दिन भर के फटाफट खबरों का। महाजरी वेकोली कोयला खदान में कार्यरत 58 वर्षीय देवराव शंकर डावले ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जानकारी है कि मृतक को शराब पीने की आदत थी और घर में कोई ना होने के दौरान मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समाचार लिखे जाने तक पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, हालांकि आत्महत्या की वजह पता नहीं चल पाई। चंद्रपुर के वीरगांव और मूर्ति में प्रस्तावित विमानतल का काम आने वाले 3 महीनों में शुरू करने के निर्देश पूर्व अर्थमंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी के अधिकारियों को दिए। 24 अप्रैल 2016 को विमानतल के लिए सरकारी मंजूरी मिली थी, किंतु कई साल से प्रस्तावित इस प्रकल्प की और सरकार द्वारा नजरअंदाज करने से काम की शुरुआत नहीं हो पाई थी, किंतु अब इस काम को 3 महीने में शुरू करने के आदेश एक बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने दिए। एक नाबालिग लड़के के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों से कई दुपहिया चुराने वाले शातिर चोर को आखिरकार नागपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उसके पास से 10 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। जानकारी है कि आरोपी कार्तिक राम शाहू उम्र 23 छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का निवासी है, जो नागपुर में मैकेनिक के तौर पर काम किया करता है और नागपुर से बाइक चुरा कर वह छत्तीसगढ़ में 5000 मील वाहनों को बेचा करता था। अखिल भारतीय अंतर विद्यापीठ फुटबॉल स्पर्धा में विवेकानंद कला व वाणिज्य महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण पदक। शुभांगी भोस्कर और गुलाब रहा सैयद ने गोंडवाना विद्यापीठ का प्रतिनिधित्व कर उत्कृष्ट खेल से विजय प्राप्त किया, जिसके चलते विवेकानंद कॉन्वेंट वरोरा की ओर से उसका अभिनंदन किया जा रहा है। मूल में योगा राइस मिल के समीप दुपहिया ने दी साइकिल को जोरदार टक्कर। इस टक्कर में दोनों ही चालक गंभीर रूप से घायल होने की है खबर। दुपहिया सवार का नाम राजू पोर्टे उम्र 28 है तो रमेश ठाकुर उम्र 25 है, साथ साइकिल सवार का नाम है। दोनों को ही गंभीर अवस्था में प्राथमिक इलाज के बाद चंद्रपुर रेफर किया गया है। अहेरी में 2 पुलिसकर्मियों ने गुंडागर्दी करते हुए 2 युवकों से की बेरहमी से मारपीट। रात के समय खेत का काम कर अपने मित्र के घर जाते हुए कन्नेपल्ली मार्ग पर यह मारपीट की गई, जिसके बाद युवकों ने इस मामले में अपर पुलिस अधिकारी अहेरी तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी से शिकायत कर दी। पुलिसकर्मी नशे में होने के दौरान पिस्तौल की नोक पर युवकों को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद शरीर पर पड़े मार के निशान दिखाते हुए युवकों ने सवाल पूछा है कि अगर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ही ऐसी गुंडागिरी करे तो किसके पास न्याय मांगने के लिए जाए। पारशिवनी के कोरसावली गांव में बारिश शुरू होने से खेत में बनी झुग्गी में बैठे किसान पर गिरी बिजली। इसमें 32 वर्षीय उमेश भीमराव ढोरे की मौके पर ही जान गई। उमेश के साथ साथ और कई भी लोग झुग्गी में बैठे थे, जिन पर बिजली गिरने से वे भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जानकारी है। गोंदिया में गुप्त जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 13 घातक तलवारों को जब्त कर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इतने बड़े पैमाने पर हथियार क्यों और किसने भेजे, ऐसा बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। फिलहाल पूरी जानकारी मिल नहीं पाई, किंतु इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। बारिश में पैदल चलने को भी नहीं बचा। कीचड़ से भरे रास्तों को पार करने के साथ नागरिकों को करनी पड़ रही है बड़ी कसरत। वली का कलमना गांव हो या अन्य कोई भी ग्रामीण भाग, हर जगह रास्तों को लेकर गांव वासियों में है नाराजगी। ग्राम पंचायत के कार्यप्रणाली पर गांव वासी उठा रहे सवाल। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।